नमस्कार फ्रेंड, आशा करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस के इस सीरीज में जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस बताए गए हैं सभी आपके दिमाग में टिक गए होंगे। आज का भी इडियम्स आपके दिमाग पर चिरस्थायी जगह अवश्य बना लेंगे। दोस्तों, इडियम्स और फ्रेजेस का संसार बहुत वृहत है। धीरे धीरे करके जहाँ तक हो सके इन्हें बताए जा रहे हैं उसी तकनीक से याद करते चले जाएं। कालांतर में ये आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। आपके पास कॉन्फिडेंस जाग जाएगा और यह सुनिश्चित कर ले कि कॉन्फिडेंस ही सफलता का परिचायक होता है। दोस्तों, आज की इस कड़ी में फिर हम लोग पांच काफ़ी महत्वपूर्ण इडियम्स लेंगे जो इस तरह से है। पहला है टू रीड बिटवीन द लाइंस, दूसरा है टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, तीसरा है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, चौथा है हश मनी, पाँचवा है टू मेक हे व्हाइल द सन शाइंस। चले पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं जो है टू रीड बिटवीन द लाइंस। मान ले आपके पास एक चिट्ठी आई है, चिट्ठी को आपने पढ़ना शुरू किया, आप उसे बिना पूरा पढ़े उसका आशय अर्थात अर्थ निकाल दिए, तब आप कहेंगे कि आपने रीड बिटवीन द लाइंस किया। किंतु यह बात याद रखें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आशय आपने निकाला है वह सही ही हो, वह गलत भी हो सकता है। आप जब एग्जाम में पैसेज को पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले पैसेज को रीड बिटवीन द लाइंस कर ले। इससे होगा क्या कि आप उस पर आधारित प्रश्न को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। अब आप उदाहरण देखें, हर चीज गुड़ गोबर हो गया क्योंकि मैंने आपकी बातों को पूरा सुने ही उस पर काम करना प्रारंभ कर दिया। Everything became a mess as I had read between the lines of your statement. Okay? अब आप चले दूसरे idiom की ओर। दूसरा idiom है to let the grass grow under one's feet. सोचे एक मैदान है जहाँ लोगों की विभिन्न तरह की एक्टिविटीज चलती रहती है। उस मैदान को जितना भी पानी से सींचा जाए तो क्या वहाँ घास उग सकती है? स्पष्ट रूप से नहीं, किंतु जैसे ही वहाँ लोगों की एक्टिविटीज़ खत्म होती है वहाँ चारों तरफ जंगल जैसा घास उग जाता है। इसी व्याख्या में दिए गए इडियम का आशय छिपा भी हुआ है। इफ़ अ पर्सन लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, इट मीन्स ही इज नॉट डूइंग एक्शंस, ही इज लेजी, ही होल्ड्स ओवर द टास्क असाइंड। अर्थात व्यक्ति सुस्त है, वह दिए गए काम को टालते रहता है, वह काम के नाम पर शून्य है। उदाहरण देखें, तत्परता दिखाते हुए हमारे सेना के जवानों ने बिना सुस्ती दिखाए 4 घंटों में एक ऐसा अस्थायी पुल तैयार कर दिया जिसके कारण गांव के सैकड़ों लोगों की जान बच गई। इसका अंग्रेजी अर्थ देखेंगे, शोविंग एलैक्रिटी। यहाँ एलैक्रिटी का मतलब तत्परता हुआ। ओके, फिर से देखें, शोविंग एलैक्रिटी द आर्मी जवान्स बिल्ट अ टेम्परेरी ब्रिज इन 4 आवर्स विदाउट लेटिंग द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट एंड दस सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स ऑफ द विलेज। ओके, अब चलते हैं तीसरा इडियम को देखते हैं। इडियम है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग का अर्थ होता है चाबुक मारना। पूरा इडियम का शाब्दिक अर्थ हुआ मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना। शायद आप अब समझ गए होंगे कि इस इडियम का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। एक मरे हुए घोड़े को जितना भी चाबुक मारा जाए क्या वह घोड़ा काम पर लौट सकता है? उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट हो सकता है? वह कोई एक्शन कर सकता है? नहीं। इसका इस तरह से अर्थ हुआ कोई असंभव काम को लेकर बेकार का अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना। अंग्रेजी में इसे कहेंगे टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी to do something which is impossible. उदाहरण देखें, सरकार के कुछ ऐसे उपक्रम हैं जो पूर्णतः मृत हो चुके हैं, वे किसी भी तरह का लाभ देने में असक्षम है। सरकार बेकार की कोशिश कर रही है उसे पुनर्जीवित करने के लिए। अब अंग्रेजी अर्थ देखेंगे, many government undertakings have gone dead. The government is just flogging a dead horse for action. Okay? आशा करते हैं आप इस idiom का अर्थ समझ गए होंगे या आप अपने दिमाग में रख लें। इसे बार बार आप सुने देखें तब ये आपके दिमाग में चिरस्थायी घर बना चुके होंगे।
अब हम लोग चलते हैं अगला इडियम की ओर। अगला इडियम है हर्षमनी। हर्ष का अर्थ होता है शांत रहने के लिए निकाली गई यह आवाज है, उसे हम लोग हर्ष कहते हैं। तब हर्षमनी का अर्थ क्या हुआ? ऐसे पैसे जिसे चुप रहने के लिए किसी को दिए जाते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो इसे घूस कहेंगे। अब उदाहरण देखें, इवन अ मर्डरर कैन एस्केप पनिशमेंट बाय हश मनी। यहाँ तक कि एक हत्यारा भी घूस देकर दंड से बच सकता है। हाँ? अब अगला इडियम लेते हैं। अगला इडियम है टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स। यहाँ हे का अर्थ हुआ घास इत्यादि जिसे काटकर धूप में सुखाया जाता है और फिर उसे स्टोर कर लिया जाता है। कच्चे में घास को स्टोर कर लेने पर घास सड़ जाएगी, इस कारण से धूप का इंतजार किया जाता है ताकि घास अच्छी तरह से सूख जाए। पूरा इडियम का शाब्दिक अर्थ यही हुआ, घास तब सुखाना जब धूप निकला हो। यहाँ धूप सही अवसर का द्योतक है और घास काम का। इसका वास्तविक अर्थ हुआ सही अवसर पर काम करना। अंग्रेजी में होगा टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी व्हेन द टाइम इज फेवरेबल। उदाहरण देखेंगे, डोंट बी इम्पेशेंट मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। अधीर मत हो, सही अवसर का फायदा उठाओ। दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए सभी इडियम्स को कभी भूल नहीं पाएंगे। आप वीडियो को डाउनलोड करके रख ले या 2 या 3 बार टाइम इन्वेस्ट करके इसे देखते चले जाए। आप हमारे ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पर आधारित है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।